दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने रियलमी के डिवाइस में किसी भी डिवाइस में यानी आप कोई भी रियलमी का डिवाइस हुआ C3, C1, Narzo 20, Narzo 10, ठीक है, Realme C12, Realme C11, Realme C15, Realme C20, इस तरीके से कई आपके रियलमी के डिवाइस हैं, बहुत सारे डिवाइस हैं, उनमें आप किस तरीके से आपकी जो वॉच है यानी कि घड़ी का जो आप चेंज कर सकते हो, क्लॉक चेंज कर सकते हो बिल्कुल स्टाइलिश तरीके से, इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में क्योंकि सेटिंग काफी अच्छी होने वाली, कलरफुल होने वाली है, यूजफुल होने वाली है, बेहतरीन होने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं। दोस्तों उससे पहले जान लीजिए मैं हूं इस चैनल का होस्ट आपका अपना दोस्त विमलेश कुमार। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जब भी मैं इस तरह की वीडियो लेकर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन में मिल जाए। तो सिंपल से दोस्तों अब क्या करना होगा, इस तरीके से अपने होम पे आ जाना होगा, ठीक है, इस तरीके से अपने रियलमी के होम पे आ जाना होगा। इस तरीके से आपको इसे लॉन्ग प्रेस करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ नीचे आपको लॉन्ग प्रेस करना है बिल्कुल बीच में, ठीक है। यहाँ पे जस्ट आपको फर्स्ट नंबर पर मिल जाएगा विजिट्स का, ठीक है, ऑप्शन वॉलपेपर के जस्ट पास में विजिट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस तरीके से आप यहाँ नीचे देख सकते हो भाई कितने तरीके से यहाँ पे आपकी क्लॉक आ जाती है, इस तरीके से इसे हटा सकते हो, इसे इस तरीके से लगा सकते हो, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया, ये देखो आप देख सकते हो इस तरीके से, यहाँ पे आप ऊपर भी इस तरीके से लगा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से इस साइड में भी कर सकते हो, जैसे ऊपर भी लगा सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे आपको फिर से लॉन्ग प्रेस करना है, यहाँ पे आपको इस लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से रिमूव करना है इसे, और फिर से लॉन्ग प्रेस करोगे तो आप विजिट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे इस तरीके से आप कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे दे रखे हैं वॉच वाले, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे लगा सकते हो, जैसे कि ये वाला लग गया, तो यहाँ पे आप बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे मिल जाते हैं आपको जो भी आपको क्लॉक लगाना है, ठीक है, बिना ऐप के, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के, तो आप यहाँ देख सकते हो। तो चलिए मैं और आपको यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ, जैसा कि यहाँ पे हम लगा के दिखाते हैं ये वाला, ठीक है, इस तरीके से, तो आप यहाँ देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप इसे ऊपर भी लगा सकते हो, ठीक है, इसे नीचे करना है फिर ऊपर जाएगा ये, ठीक है, तो आप यहाँ पे बोल रहा है कि नो मोर, ठीक है, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो इसे अपने वॉच का, ठीक है, इस तरीके से इसे लॉन्ग प्रेस करना है, इसे रिमूव कर देना है, तो इस तरीके से आप फिर से यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करोगे, यहाँ पे आपको विजिट्स पे क्लिक करना है, तो इस तरीके से आप लगा सकते हो किसी को भी, ठीक है, किसी भी बाज को। दोस्तों काफी अच्छी जानकारी रही है, तो आप इससे सहमत हो गए होंगे, आप अपने यहाँ पे स्क्रीन पे अच्छे से चेंज कर पाए होंगे अपनी क्लॉक को, ठीक है, वेदर को, ठीक है। तो विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेके आपके लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।